एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, अच्छा एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है? देखो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिफरेंस है कि एलिसाइक्लिक में कार्बन और कार्बन एटम के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, और एरोमेटिक में क्या होगा, अल्टरनेट क्या होगा, डबल बॉन्ड। अल्टरनेट का मींस पता है आपको, वन बॉन्ड छोड़कर वन बॉन्ड, ठीक है, एक बॉन्ड को छोड़कर दूसरा बॉन्ड आपका कैसा होगा, अल्टरनेट। मींस वहां पर अल्टरनेट का मींस क्या है, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, एक बॉन्ड को छोड़कर दूसरा बॉन्ड कैसा होगा, डबल बॉन्ड, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही आपका हेटेरोसाइक्लिक में होगा, ये भी आपके कैसे होंगे, टू टाइप्स के होंगे, कौन कौन से, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, बट इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसको भी आपने एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइड किया और इसको भी, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि इसमें आपके सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे रिंग में, चाहे वो आपका एलिसाइक्लिक हो या एरोमेटिक। ठीक है, इसमें भी एलिसाइक्लिक हो या एरोमेटिक, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन एटम के अलावा कोई दूसरा एटम, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, यही बताया था ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अब आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं, कौन कौन से, नॉन बेंजेनॉइड, बेंजेनॉइड, ठीक, और बेंजेनॉइड। अच्छा, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड में डिफरेंस क्या है, बेंजेनॉइड में क्या होता है आपका, बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग क्या होती है, जिसमें सिक्स कार्बन एटम होते हैं, ठीक है, और इसमें भी बॉन्ड कैसे होंगे, अल्टरनेट, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड को आपने डिवाइड किया है टू टाइप्स में, तो आपके बॉन्ड कैसे होंगे, अल्टरनेट होंगे, डबल बॉन्ड, ठीक, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6, जिस भी कंपाउंड में C6H6 मतलब बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो वो आपके क्या होंगे, बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर्स होंगे, बेंजेनॉइड कंपाउंड होंगे। ठीक, जिसमें आपके नॉन बेंजेनॉइड मींस मैंने सपोज किया कि इसमें अब आपके कितने एटम प्रेजेंट है, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो ये भी कैसा है, एरोमेटिक, बट इसमें अब कार्बन एटम कितने होगा, 8, ठीक, इसलिए ये आपका बेंजीन रिंग नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कार्बन के कुछ कंपाउंड्स बताने से पहले आपको ये बताऊंगा कि अगर किसी कंपाउंड में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो उसका नेम क्या होगा। ठीक, जैसे अगर C1, ठीक है, देखो ये तो मैं आपको एकदम बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए किसी कार्बन एटम में अगर 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, मेथ, ठीक है, 2 है तो क्या बोलते हैं, 8, 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो क्या हो जाएगा, हेप्ट, ठीक है, C8 है तो ऑक्ट, C9 है तो नोन, ठीक है, और C10 है तो डेक। देखो ये आपको लर्न करना बहुत ईजी है, ऑक्ट, नोन, डेक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, तो ये सब तो लर्न हो जाएगा, बाकी मेथ एथ तो आपको लर्न नहीं होगा, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इतना और लर्न करना है। ठीक है, तो इतना लर्न हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि आपके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट क्या बताया था, ओपन चेन कंपाउंड, और सेकंड क्या था, क्लोज चेन कंपाउंड। तो ओपन चेन कंपाउंड को आपने देखा था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड टू टाइप्स में डिवाइड किया था, अनसैचुरेटेड टू टाइप में डिवाइड किया था। ठीक है, देखो जब तक आप किसी चीज़ को
इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे कोई चीज़ आने वाली नहीं है, ठीक। और आपको हो सकता है बोरियत फील हो रही हो, मैंने बताया था कि आपको बोरियत वहीं फील होती है जहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा होता है। आपको बोरियत कहाँ फील होगी, या तो कहीं धार्मिक स्थल पर जहाँ पर सत्संग हो रहा होगा, या फिर आपके स्टडी रूम में, चाहे वो आपका क्लास रूम हो, कोचिंग हो, ठीक है, आप ऑनलाइन स्टडी करें, वहीं बोरियत फील होती है। मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तब, कि आप कुछ अच्छा करते हैं तो 100 लोग होते हैं जो पीछे की तरफ आपको खींचते हैं कि नहीं ये नहीं करो, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने अगर ये कर लिया तो आप आगे निकल जाएंगे उनसे, ठीक है। इसलिए मुझसे भी लोगों ने कहा ऑनलाइन पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, मैंने कहा होगा, क्यों नहीं होगा, लोग सीखेंगे, मेरा कुछ नहीं होगा, लोग तो सीखेंगे, बच्चे तो सीखेंगे, मेरा कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, नहीं होने दो, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छा करते हैं तभी आपको बोरियत फील होती है, 10 लोग पीछे खींचते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, आप बाकी आपका पता नहीं, ठीक है। तो देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता था और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का यूज करते थे बिटवीन कार्बन एटम, नहीं तो था इतना ही तो बताया था, कुछ ज़्यादा बताया था, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कि जिस कार्बन कंपाउंड में, जिस हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है वो आपके एग्जाम्पल होते हैं किसके, एल्केन के, किसके एग्जाम्पल होंगे, एल्केन के। इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, देखो डबल बॉन्ड वाला होगा किसका, एल्कीन का, और ट्रिपल बॉन्ड किसका होगा, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, बहुत सिंपल है, ठीक। देखो एल का मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर उसमें एन ऐड है, एन ऐड है तो एन आपको क्या शो कर रहा है, सिंगल बॉन्ड, एन आपको क्या शो कर रहा है, सिंगल बॉन्ड, कि जिस एटम में, जिस कार्बन कंपाउंड में आपका नेम के एंड में एन ऐड है, इसका मींस क्या, उसमें प्रेजेंट जितने भी कार्बन एटम है सभी के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। बात समझ में आएगी नहीं, तो सपोज कीजिए आप, अच्छा अब एल्केन की बात करते हैं, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, क्या होता है, CnH2n+2। अच्छा CN, N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम, N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। आपने सपोज किया N कितना ले लिया, कुछ भी जो मन करे आपका ले लो, आपने सपोज किया N कितना लिया, 5 ले लेना, ठीक है, N कितना लिया, 5, तो क्या हो जाएगा, C5 N, H कितने हो जाएंगे, 5 × 10 और 2 × 12, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया क्या फॉर्मूला किसका, जब आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना प्लेस किया, 5। अच्छा अब नेम लिखना है, तो नेम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम L की जगह पर आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना, C5, तो क्या लिखेंगे, C5 नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, C5 को हम क्या लिखते हैं, पेंट, पेंट। अच्छा सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, एल्केन का, तो सभी में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड देख लेते हैं, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 5 कार्बन एटम होगा सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड, एच कितने, 12। देखो इस कार्बन की 1 वैलेंसी कंप्लीट थी बॉन्ड से, हमने वहां पर क्या किया, 3 हाइड्रोजन एटम्स को ऐड कर दिया, 3 हाइड्रोजन एटम ऐड किया तो 3 सिंगल बॉन्ड और हो गए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कार्बन आपका या तो 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करे, या फिर क्या करे, 1 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करे, 1 ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करे, तब भी 4 वैलेंसी हो गई, या क्या करे, 2 डबल बॉन्ड फॉर्म करे तो भी 4 वैलेंसी कंप्लीट, ये सब बताया था कि नहीं, ठीक है, या फिर क्या करे, 1 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करे तो भी आपकी 4 वैलेंसी कंप्लीट। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सभी सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। यहाँ पर देखो 2 वैलेंसी कंप्लीट है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर भी 2 वैलेंसी कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन एटम ऐड कर दिए, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर कितने होंगे, 3।
अब काउंट कर लो कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 क्या कि नहीं C5H12, नेम क्या हो जाएगा पेंट। अच्छा अब सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या ऐड करते हैं N, तो नेम क्या हो जाएगा पेंटेन। बहुत ज़्यादा टफ है ना, नहीं आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ कार्बन कंपाउंड को देखना है कि कौन सा कार्बन कंपाउंड है, उसमें आपको क्या करना है, देन आपको फिर उसमें आपके जितने भी कार्बन कंपाउंड के फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। जैसे एल्क में भी क्या होगा, नंबर ऑफ एल्क क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, इन किसके लिए होगा डबल बॉन्ड के लिए, ठीक। आयन किसके लिए होगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए, एल्क कॉमन है सभी में तो एल्क क्या होगा सभी में नंबर ऑफ कार्बन एटम। अच्छा फॉर्मूले आप सभी के क्या होंगे डिफरेंट, यहाँ पर फॉर्मूला ये किसका था एल्केन का, एल्कीन का क्या हुआ CnH2n-2, एल्कीन का क्या होगा CnH2n, ठीक है। एल्काइन का क्या होगा CnH2n-2, एल्केन का CnH2n-2 नहीं होगा एल्काइन का होगा, ठीक है। ये बात याद रखना, टू टू सभी में क्या हो रहा है लेस हो रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये पेंटेन का है, अच्छा पेंटीन का क्या हो जाएगा सी, इसमें भी फाइव होंगे, ठीक है। सी फाइव एच कितने हो जाएंगे, 5 2 10, एच कितने होगा 10, नेम क्या हो जाएगा पेंट। अच्छा अब इसमें क्या होगा, देखो कार्बन एटम कितने हैं 5, यहाँ पर किन्हीं दो कार्बन एटम के बीच में क्या होगा सिंगल बॉन्ड, आप कहीं पर भी प्लेस कर दो, यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर प्लेस कर देंगे, उसी में हाइड्रोजन एटम क्या होंगे कम हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने कितने हाइड्रोजन एटम ऐड किए, 2, यहाँ पर कितने किए थे 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो 2 वैलेंसी पहले से ही कंप्लीट थी, यहाँ पर 1 वैलेंसी कंप्लीट थी इसलिए 3 हाइड्रोजन एटम ऐड किए थे, यहाँ पर 2 पहले से ही कंप्लीट है इसलिए 2 ऐड कर दिए, यहाँ पर 1 क्योंकि 3 वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पर 2 तो 1 हाइड्रोजन 2 1 2 1 2 3, अब यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन एटम ऐड होंगे क्योंकि यहाँ पर 1 वैलेंसी कंप्लीट थी। काउंट कर लो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C5H10, नेम क्या हो जाएगा पेंट प्लस इन, तो क्या हो जाएगा पेंटीन। बात समझ में आएगी नहीं, ऐसे ही अगर पेंटाइन का लिखेंगे तो क्या होगा C5H कितने होंगे 5 2 10 और 2 सबट्रैक्ट कर देंगे H8। अगर सपोज किया यहाँ पर हमने ट्रिपल बॉन्ड प्लेस कर दिया तो ये भी हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट है, और ये भी एक क्या होगा हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 कंप्लीट हो गए हाइड्रोजन एटम ऐड कर लो 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ में आई, इतना मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया, ठीक। आपको क्या करना है इससे रिलेटेड, आपको कुछ मैं फॉर्मूले दे रहा हूँ, आपको फाइंड करना है कि वो फॉर्मूले आपके एल्केन के हैं, एल्कीन के, एल्काइन के, उनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है, आप कितने भी वीडियो देख लो, ठीक है। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूँगा, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल आपको पता करना है, सबसे पहली बात ये फॉर्मूला एल्केन का है, एल्कीन का या एल्काइन का, आपको ये भी पता करना है कि उसका नेम क्या होगा, आपको ये भी पता करना है उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होगा जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक। चलिए C4H8 सेकेंड C6H14 नेक्स्ट C3H4, ठीक है, फोर्थ नंबर C5H12 और लास्ट वन C7H12, ठीक है। इतना आपको करना है, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको उसके आंसर गिवन करूँगा, देन मैं आपको आगे एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आगे का चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा, उससे पहले आपको क्या करना है ये सब चीज़ें रिवाइज करनी है, ठीक है, और इनके प्रैक्टिस करना है कि इनका नेम क्या होगा, इनका बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक। ये
किस सीरीज में होंगे, एल्केन में होंगे, एल्कीन या एल्काइन। ठीक, मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया सीरीज, होमोलॉगस सीरीज में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जब तक के लिए आप इस वीडियो को केयरफुली वॉच करें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें, अगर आपको लगता